दिक्कत ये बोल रहे हैं अभी कि इधर इनको दोबारा टेस्ट करेंगे और 8 से 10 घंटे दोबारा स्टे करेंगे इधर, वो क्या दिक्कत है इनसे ये पूछना चाहते हैं हम। सर इनको सर सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार बकवास है, इधर की सरकार क्या है, कुछ भी नहीं है सरकार। उधर के टेस्ट बकवास हो गए जो लंदन में बैठे हैं, जिन्होंने पहले जिन्होंने सबसे पहले लंदन में वैक्सीन अप्लाई हुआ अभी, ठीक है, तो वो बेवकूफ बैठे हैं, ये दोबारा टेस्ट कर रहे हैं अभी इधर। रिलीव करना चाहिए, जब 72 आवर्स रिपोर्ट उनके पास पुरानी है, देन दे हैव टू रिलीव। आज एक स्पेशल फ्लाइट आई है यूके से, तो पहले तो गवर्नमेंट ने कल से जो 22 से ये सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। सो ये स्पेशल फ्लाइट होने के कारण इनका सभी का जो 242 पैसेंजर है, जो भी पता लगा है एग्जैक्ट नंबर, तो जब हम काउंट करेंगे एंड में तो पता लगेगा, तो इनका सभी का RT-PCR टेस्ट होना है। सो इट मे टेक अराउंड 6 to 8 hours और मोर देन दैट, सो पैसेंजर्स हैड टू स्टे इन एयरपोर्ट फॉर दैट थिंग। ये तो सारा कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है, जब हम लोगों को पता लगा है कि वहाँ पे जो एक और स्ट्रेन मिल रही है उनको कोविड की, तो उसके कारण जो गवर्नमेंट ने सारी डी प्रिकॉशन लिए ताकि इससे स्प्रेड ना हो पंजाब में पूरे। सर ऐसा कोई इंतजाम किया जाए कि वायलेंस तरीके का ना हो, जैसे नारे? नहीं नहीं, वायलेंस वाली कोई बात ही नहीं है, इट इज अ रेगुलर प्रोसीजर। जब ये पहले भी चला था हमारे वंदे मातरम मिशन भी, तो तब भी हम लोगों ने पैसेंजर को यहाँ पे 4-6 घंटे 8 घंटे रखते थे, और उन दिनों में तो आज तो एक ही फ्लाइट, उन दिनों में हमने एक दिन में 4-4 5-5 फ्लाइट्स भी इकट्ठी हैंडल की हुई। सो ऐसा कोई वायलेंस वाला कोई ऐसा इशू नहीं है, पीपल आर वेल इन्फॉर्म। जो वहां से चले उनको रास्ते में ही बता दिया गया था, वैसे चलने से पहले भी बता दिया गया था, दे नो दैट कि दिस इज द लास्ट फ्लाइट इन अमृतसर। इसको बाद आपको बताया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया यूके से फ्लाइट आने में।